मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का कंप्यूटर और आज हमें पढ़ना है चैप्टर 5 मोर ऑन पावर पॉइंट। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टर्म का चैप्टर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस एंड इज यूज्ड टू क्रिएट सिंपल एंड अपीलिंग प्रेजेंटेशन। ये कंपोनेंट किसका है? एमएस ऑफिस का है और इसे हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल और अपीलिंग प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। पावर पॉइंट गिव अस द एबिलिटी टू प्रेजेंट डेटा विद डायग्राम। पावर पॉइंट हमें यह एबिलिटी देता है कि हम लोग अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकें डायग्राम के साथ, फोटोज, क्लिप आर्ट, साउंड, कलर, डिज़ाइन एंड एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। अ प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज इन अ सिक्वेंशियल मैनर। प्रेजेंटेशन क्या होता है? एक स्लाइड का कलेक्शन होता है जो कि एक सिक्वेंशियल मैनर में होता है। टू एंटरटेन, मोटिवेट, कन्वे और गिव इन्फॉर्मेशन, जो कि एंटरटेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए या फिर अपना इन्फॉर्मेशन दूसरों को देने के लिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एमएस पावर पॉइंट, कुछ फीचर्स हैं। पावर पॉइंट इज अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल टू प्रेजेंट द व्यूज एंड आइडियाज इफेक्टिवली थ्रू विजुअल एड्स। पावर पॉइंट का एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है जिससे कि हम लोग अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं विजुअल एड्स के थ्रू। इन पावर पॉइंट अ प्रेजेंटेशन कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ बिग स्क्रीन बाय अटैचिंग अ कंप्यूटर टू अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। पावर पॉइंट पर हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को एक बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं कंप्यूटर से अटैच करके, जो कि एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है। डेटा कैन बी इजली इंसर्टेड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और जो भी हमारा डेटा है उसको हम लोग आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे फाइल में। प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को कैसे प्लान करना है? प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी काइंड। प्लानिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। बिफोर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन वी नीड टू प्लान इट। किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए उससे पहले हमें उसको प्लान करना पड़ता है, जिसमें हमारे आइडियाज़ इंक्लूड होते हैं पूरे टास्क का। प्लानिंग हेल्प अस टू डिसाइड द कंटेंट एंड द ऑर्डर इन विच द इन्फॉर्मेशन विल बी प्रेजेंटेड। प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हम अपने कंटेंट को डिसाइड करें या फिर अपने इन्फॉर्मेशन को किस ऑर्डर में हमें प्रेजेंट करना है। स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट 2003, कैसे स्टार्ट करेंगे एमएस पावर पॉइंट? इसका स्टेप है, क्लिक द स्टार्ट बटन, चूज ऑल प्रोग्राम ऑप्शन, क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट ऑप्शन को चूज करेंगे। फिर उसके बाद ऑन स्टार्टिंग पावर पॉइंट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन नेम्ड प्रेजेंटेशन फर्स्ट विथ अ टाइटल स्लाइड अपीयर हो जाएगा, हमें इस तरीके से खुल जाएगा। देन हम लोग पढ़ेंगे स्लाइड के बारे में। स्लाइड क्या होता है? स्लाइड इज लाइक अ पेज ऑफ प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्ले अ ब्रीफ टॉपिक। स्लाइड क्या है? प्रेजेंटेशन का पेज होता है जिसमें हम लोग अपने टॉपिक को दिखा सकते हैं। ए सेट ऑफ स्लाइड कैन बी सेव्ड एज अ सिंगल प्रेजेंटेशन फाइल। स्लाइड का जो सेट होता है उसे हम लोग एज अ सिंगल प्रेजेंटेशन फाइल की तरह सेव कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, अब न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे? क्लिक द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन इन द टास्क पेन। टास्क पेन में हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ए न्यू प्रेजेंटेशन विद डिफरेंट स्लाइड लेआउट इज डिस्प्ले। एक नया प्रेजेंटेशन जो कि अलग डिफरेंट स्लाइड में खुल जाएगा। क्लिक अ स्लाइड लेआउट, तो सबसे पहले हमें लेआउट, स्लाइड लेआउट पे क्लिक करना होगा। ए स्लाइड विद द सेलेक्टेड लेआउट इज डिस्प्लेड, तो स्लाइड जो हमारा, जो हमने सेलेक्ट किया है उसके साथ वो खुल जाएगा। इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन में, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए उसके लिए स्टेप है, सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन इन मेन्यू बार में। मेन्यू बार में जाके हमें इंसर्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करना होगा। क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड पे क्लिक करना होगा। स्लाइड लेआउट टास्क पेन विल अपीयर ऑन द राइट ऑफ द स्क्रीन, तो ये हमारा स्लाइड लेआउट टास्क पेन ही हमारा खुल जाएगा इस तरह से। देर आर मेनी स्लाइड लेआउट दैट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, तो इसी तरह से बहुत सारे स्लाइड लेआउट होते हैं जिसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को बनाने के लिए। जैसे द टाइटल एंड द कंटेंट लेआउट, टाइटल और कंटेंट लेआउट इज़ यूज टू एड अ टाइटल एंड अ पिक्चर ग्राफ टेबल इन द स्लाइड। स्लाइड में हम लोग कोई टाइटल डालना चाहते हैं, पिक्चर, ग्राफ, टेबल, ये सब डालना चाहते हैं अपने स्लाइड में, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? टाइटल एंड कंटेंट लेआउट।
इफ़ द स्लाइड लेआउट आर नॉट डिस्प्ले, अगर स्लाइड लेआउट नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो क्लिक द स्लाइड लेआउट ऑप्शन ऑन द फॉर्मेट मेन्यू। तो हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा स्लाइड लेआउट ऑप्शन पे, जो कि फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग तो स्लाइड लेआउट पेन खुल जाएगा। अल्टरनेटिवली हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्लिक द न्यू स्लाइड बटन पे फॉर्मेटिंग टूल बार में हमें क्लिक करना होगा या फिर प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एम की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। चेंजिंग द स्लाइड बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे, एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू चेंज बैकग्राउंड ऑफ अ स्लाइड। एमएस पावर पॉइंट हमें ये भी देता है ऑप्शन कि हम अपने स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं एक प्रोफेशनल टच देने के लिए प्रेजेंटेशन को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड ऑफ अ स्लाइड, जो अलग अलग तरह के जो बैकग्राउंड स्लाइड होते हैं वो ये होते हैं, बैकग्राउंड फिल विद द हेल्प ऑफ अ कलर विंडो, बैकग्राउंड जो फिल हुआ होता है पूरे कलर विंडो के साथ, फिर यूजिंग फिल इफेक्ट्स। तो ये आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसे चेंजिंग स्लाइड बैकग्राउंड तक आप लोग इसे रीड करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।